हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। तो भैया आज की इस वीडियो में हम किस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं वो तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देखा, रियलमी 6i। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में हम उसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया वन प्लस नॉर्ड जो कि लॉन्च हुआ है, अभी सेल नहीं लगी है, तो उसके बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं। भैया कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छा है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं बुरा है। तो उस फोन के बारे में भी मैं कुछ राय दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ रियलमी 6i के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि भैया इस फोन के ही कुछ इतने ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस हैं, उनको ही कवर करने में टाइम लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया ये लाल वाला बटन है, इसको जोर से दबाओ, ग्रे हो ही जाएगा। और हाँ, इसके साथ में घंटे वाले बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पर ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फटाफट से आज की स्टोरी फोटो इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम भैया आपके पास भी कम है और मेरे पास भी कम है। तो फटाफट से इस फोन के स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में, इस फोन में आपको देखने को मिलती है 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पर आपको पंच होल कटआउट देखने को मिलने वाला है, कोई भी नॉच नहीं। यहाँ पर आपको फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का कैमरा भी प्रोवाइड किया गया है पंच होल डिस्प्ले के साथ में। और यहाँ पर आपको 90.5% यानी 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। और अब अगर बात कर लेते हैं इस फोन में प्रोसेसर की, मतलब किस प्रोसेसर की ताकत आपको इस फोन में देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो का G90T प्रोसेसर प्रोवाइड कराया गया है। हालांकि ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छा है, गेमिंग के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन भैया कोई और प्रोसेसर होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रोसेसर ले देख के फोन में लग रहा है, रियलमी 6 में भी वही था, 6i में भी, 6 प्रो में भी। तो मतलब कोई और अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, बस एक ही प्रोसेसर, बस गाड़ी चलती जा रही है। फोन नए नए आ रहे हैं लेकिन प्रोसेसर वही है, तो भैया प्रोसेसर चेंज होना चाहिए, इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम अपनी आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस फोन में और क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप भी प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ भैया, क्वाड कैमरा सेटअप सभी फोन्स में आ रहा है, इसमें भी दिया है। तो यहाँ पर आपको मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का। भैया रियलमी वालों का कहना है कि ये एक प्रो कैमरा है, फोन जब आएगा तभी देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी सेंसर दिया गया है, और जो सेकेंड है वो है 8 मेगापिक्सल, थर्ड 2 मेगापिक्सल और फोर्थ 2 मेगापिक्सल का दिया गया है। ये ज़्यादातर फ़ोनों में होता है, नोट 8 में भी सेम प्रोसेस है कैमरा का। तो फिलहाल अपनी वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको बैक प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है प्लास्टिक। यार क्या हो रहा है, मतलब प्लास्टिक ही दे रहे हैं। रियलमी 6 में भी प्लास्टिक थी और 6i में भी प्लास्टिक है, ग्लास तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑटो HDR का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, 4K रिकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और इसके साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 2.05 GHz का ऑक्टा कोर। जी हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं भैया इसके N22 स्कोर के बारे में। तो यहाँ पर इस फोन का N22 स्कोर है 2,91,000। N22 स्कोर काफ़ी बेहतरीन है। और हाँ गाइस, आप लोगों को मिलता है इस फोन के कैमरा के साथ एक प्लस पॉइंट, जहाँ पर आपको मिलता है सुपर नाइट स्कोप 2.0, मतलब रात में भी आप वीडियोस और फोटोज़ काफ़ी अच्छे क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस फोन के साथ यहाँ पर आपको ये एक प्लस पॉइंट दिया गया है। और हाँ, इस फोन के साथ में आप 120 FPS स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। स्लो मोशन टिकटॉक वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, जो टिकटॉक यूज़ करते होंगे। तो फिलहाल ये तो थे इस फ़ोन के वो स्पेक्स जो आप लोगों को पता थे। लेकिन भैया आपको इस फ़ोन के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है इस फ़ोन की डिस्प्ले के साथ। वो अदर भी पता चला होगा, मतलब अदर चैनल्स पर वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से मान चला होगा, लेकिन आप लोग को ये नहीं मालूम है कि इस फ़ोन में इंटेलिजेंट, मतलब भैया अलग ही लगा है। मतलब इस फ़ोन में 60-90Hz ऑटो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन है, मतलब जिस तरह से आपको ज़रूरत होगी रिफ्रेश रेट की, तो उस तरह से ये चेंज कर देगा। साइड माउंटेड आपके यहाँ पर फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया गया है, जिसकी जो स्पीड है मतलब ओपन होने की, वो 0.29 सेकेंड्स, मतलब 0.30 सेकेंड्स में ये फ़ोन आपका अनलॉक कर देगा। मतलब काफ़ी फास्ट है, ऐसा बोल सकते हैं इस फोन का फिंगरप्रिंट। और अगर बात करें तो भैया इस फोन में और क्या खास है, तो यहाँ पर आपको हाइपर बूस्ट देखने को मिलने वाला है 14% का टच स्पीड में और 18% का फ्रेम रेट स्टेबिलिटी। जी हाँ, अब अगर बात कर लेते हैं भैया इस फोन की चार्जिंग सिस्टम, मतलब चार्जिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं फोन की बैटरी के बारे में। तो आपको इस फोन में देखने को मिलने वाली है 4,300 mAh की बैटरी, सेम बैटरी आपको रियलमी 6 में भी दी गई थी, सेम बैटरी का ज़्यादा से ज़्यादा स्पेक्स इस फोन के रियलमी 6 से थोड़े मैच करते हैं। जहाँ पर जो कैमरा है वो थोड़ा सा लो है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस कट करके लोगों को ये फ़ोन देना है, तो भैया कुछ चीज़ें तो कम करेंगे ही। तो यहाँ पर आपको 4,300 mAh की बैटरी दी जाती है, जहाँ पर आपको 30W का फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन भैया आपको इनबॉक्स 20W का ही फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं इस फोन के सिम स्लॉट के बारे में। तो आपको यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट सिम ट्रे देखने को मिलने वाली है। तो भैया अब बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। प्राइस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि प्राइस से मालूम चलता है भैया फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। तो भैया इस फ़ोन का प्राइस रखा गया है 12,999 रुपये, मतलब 1 रुपये कम 13,000। 1 रुपये में हम लोग कोशिश किया करवा लेंगे, खैर वो छोड़ो। तो यहाँ पर 13,000 रुपये का इसका बेस वेरिएंट है, जो कि 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज साथ में आता है। और यहाँ पर जो इसका सेकंड वेरिएंट है 6GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज का, वो दिया गया है 14,999 रुपये, 15,000 रुपये, 2,000 रुपये केवल 2GB रैम बढ़ाने के। और अब बात कर लेते हैं भैया इस फ़ोन की सेल की। तो आपको ये फ़ोन कब देखने को मिलेगा? तो आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पर और इसके खुद रियलमी की साइट पर, जी हाँ, जिसकी सेल लगने वाली है 31 जुलाई 2020। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर भैया वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को जोर से कर दो लाइक, और इसके साथ ही शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके भाई को आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।